हेलो फ्रेंड्स, टॉप प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के रीसेंट ट्रैक को तो सभी व्यूअर कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं सीरियल का अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है, जहां पर आप सभी ने देखा होगा ही कि होली के त्यौहार पर अनुज अनुपमा से काफ़ी ज़्यादा बेरुखी से बात करता हुआ नज़र आता है। तो वहीं अब अनुज अनुपमा से जुड़े अपने सारे रिश्ते नातों को भी तोड़ देता है और इसकी वजह से अनुपमा के दिल को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँचती है और अनुपमा हो जाती है बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान। अब ऐसे में जहां अनुज और अनुपमा की एक कॉमन फ्रेंड थी देविका, तो वहीं देविका अब अनुपमा का साथ एक बार फिर से देती हुई आपको नज़र आएगी और दूसरी तरफ अनुज के खिलाफ खड़ी हो जाती है, जहां पर आप देखेंगे कि देविका लेती है एक फैसला कि जिस शख्स ने इतनी ज़्यादा सरेआम अनुपमा की इतनी बेइज्जती करी, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, अनुपमा को तिल तिल रुलाया और तड़पाया, जिस शख्स को खुद देविका ने भी गलत समझ लिया था, जिसने कि अनुपमा का दिल जानबूझकर दुखाया, तो आज और अगर वही फ्रेंड देविका के फ्रेंड लिस्ट में रहेगा तो यही देविका के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात होगी और गलत भी होगा। और इसी वजह से देविका ने अनुज कपाड़िया के साथ अपने बेस्ट फ्रेंड की फ्रेंडशिप को भी ख़त्म करने का डिसाइड कर लिया। अब ऐसे में जहां धीरज है अनुज कपाड़िया का दोस्त, तो वहीं कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अनुज की इस गलत कदम से और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किस तरीके से अब अनुज अपने बाकी सभी रिश्तों को भी तोड़ देगा, जहां पर कि अनुज के एक बार फिर से अनुपमा पर ढेर सारे इल्ज़ामों की बारिश करते हुए नज़र आने वाला है। और यहां पर ये भी हो सकता है कि अनुपमा भी ये कहे कि शायद अनुज के बारे में जो कुछ भी बा ने अनुपमा से कहा था वो सब कुछ सच था। यहाँ पर देविका को अनुज को समझने में अनुपमा से गलती हो गई, लेकिन जब टूट जाएंगे अनुज कपाड़िया के सारे रिश्ते, तो अब क्या कुछ होगा अनुज की ज़िंदगी में और क्या कुछ होगा सीरियल के आगे आने वाले अपकमिंग ट्रैक में, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। तो फ्रेंड, टीवी सीरियल के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।